ये कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जिसे एक हैकर ब्लैकमेल कर रहा होता है। लिसा जो अपने होने वाले बॉयफ्रेंड मैक्स के साथ एक डेट प्लान कर रही होती है और जैसे ही वो उसके साथ एक इंस्टाग्राम पर पिक अपलोड करती है तो एक हैकर का उसे मैसेज आता है और वो उस लड़के को उसे वहीं छोड़कर जाने को कहता है और साथ ही वो लिसा की वो वीडियो उसे सेंड करता है जिसमें लिसा नशे में डांस कर रही थी। लिसा तो एक मामूली स्कूल टीचर थी और वो हैकर उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर उसने उस लड़के को वहीं नहीं छोड़ा तो वो हैकर लिसा की वीडियो वायरल करके उसे बदनाम कर देगा। तभी लिसा मैक्स को छोड़ के वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो लड़की दोबारा घर जाती है तो पता नहीं कैसे हैकर को इस बारे में पता लग जाता है और हैकर का मैसेज आता है कि तुमने अच्छा किया जो उसे छोड़ दिया, वो तुम्हारे लायक नहीं है। और लिसा बहुत डर जाती है। इतनी ही देर में वहाँ मैक्स आ जाता है जो एक पिज्जा डिलीवरी वाला बनकर आया था। जैसे ही लिसा दरवाजा खोलती है तो वहाँ मैक्स था जिसने पिज्जा कार्ड पर लिखा हुआ था कि वो लिसा की हेल्प करने आया है। वो पानी का टैप ऑन करके उस पे लिसा का मोबाइल रखने के बाद उसके कैमरे पर टॉवल रख देता है। फिर मैक्स लिसा से सवाल करने लगता है कि क्या तुम्हारे फोन की चार्जिंग जल्दी डाउन होती है और क्या कॉल के दौरान तुम्हें एको सुनाई देता है, जिसपे लिसा कहती है कि हाँ ऐसा होता है, तुम्हें कैसे पता। मैक्स कहता है कि तुम्हारा फोन हैक हो रहा है, हम ऐप डेवलपर्स ने पेरेंट्स के लिए एक स्पाई ऐप बनाई थी जिसे वो अपने बच्चों पर नजर रख सकें, लेकिन कुछ बुरे हैकर्स ने उस ऐप का इस्तेमाल करते हुए लड़कियों की बुरी तस्वीरें ली और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ऐसे केस हमारे देश में बहुत सारे हैं जिससे ये हैकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारे फोन से वो ऐप डिलीट कर दूंगा, लेकिन लिसा डरी होती है कि वीडियोस उसके पास फिर भी रहेंगी और वो मेरी वीडियोस को लीक कर देगा, जिसके बाद ना ही मेरे साथ कोई रिलेशन में आना चाहेगा और ना ही मैं कहीं जॉब कर पाऊंगी। लिसा कहती है कि मैं एक मामूली स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, तो वो हैकर आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैक्स कहता है कि लड़कियों की तस्वीरें बिकती हैं और उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जाता है और इसी वजह से फेमस लोग जैसे मार्क जुकरबर्ग भी खुद को हैकिंग से बचाने के लिए अपने फोन पर टेप लगा कर रखते हैं और कहता है कि हो सकता है शायद हैकर को तुमसे कुछ और चाहिए हो और वो हैकर तुम्हें पहले से ही जानता हो। लिसा को याद आता है कि उसका एक्स भी एक डेवलपर था, लेकिन काफी लड़ाइयां होने के बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वो एक साइको बॉयफ्रेंड था और लिसा अपने इसी शक के चलते अपने एक्स हावर्ड को मैसेज करती है और उसे डेट पर बुलाती है और डिनर होते होते वो लिसा को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद करता था, इतना कि मेरी तुम्हारी पूरी जिंदगी पर नजर थी। लिसा कहती है कि मेरी तुमसे इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि तुम मुझे कभी समझ नहीं सके, तुम सिर्फ ओवर प्रोटेक्टिव थे और मेरा फोन चेक करते रहते थे। फिर उसका एक्स कहता है कि सिर्फ तब नहीं बल्कि अब भी मैं चाहूँ तो तुम्हें पूरी जिंदगी अपना गुलाम बना कर रख सकता हूँ और कहता है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियोज हैं, वो हैकर मैं ही हूँ। जिस पे लिसा कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और हावर्ड हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा फोन आराम से मेरे लैपटॉप से हैक हो जाएगा और मैं वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगा। ये कहते ही वो अपने लैपटॉप से लिसा की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है, लेकिन लिसा का न्यू बॉयफ्रेंड मैक्स वहीं पीछे से आता है और कहता है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में भी है। फिर हावर्ड मैक्स को कहता है कि तुम नहीं जानते मैं कितना बड़ा हैकर हूँ और मैं तुम्हारा मोबाइल भी हैक कर लूंगा। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि लिसा उसका लैपटॉप पहले ही बिगाड़ चुकी थी और मैक्स उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है। लिसा की अब उस हैकर से जान बच चुकी थी क्योंकि अब उसके पास सबूत आ चुके थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।